आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कि द इक्वेशंस 1 माइनस एक्स टाइम कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन ओपन इंटरवल 0, 1, ठीक है। और बी ऑप्शन से कि फॉर अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल पी द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। सी ऑप्शन से एप्सेस दैट आर टू आर बी अ कंटीन्यूअस एंड पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी greater than 0 then there exists x naught such that f of x naught plus t by 2 is equal to f of x naught। D option say ki f such that r2 r be a continuous and periodic with period t greater than 0 then there exists x naught such that f of x naught plus t is equal to f of x naught, right। तो इसमें पूछा जा रहा है ये कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो अपन सबसे पहले अगर हम लोग ए ऑप्शंस को लेते हैं तो भी ए ऑप्शंस आपका क्या बोल रहा है, ए ऑप्शंस कह रहा है कि 1 माइनस का एक्स टाइम्स कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। और क्या कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है आपके पास ओपन इंटरवल 0, 1 में। कह रहा है कि इसके पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होगा ही होगा, कम से कम एक सोल्यूशन होगा। तो जब भी आपके पास इस टाइप का आए तो आप क्या देखोगे, इसका इसका लास्ट देख लो, तो आप क्या करोगे यहां पर एक फंक्शंस बना लो और लास्ट पॉइंट, लास्ट देखने का मतलब उसके लास्ट पॉइंट पर उसका देख लो कि फंक्शंस का बिहेवियर कैसा है, साइन चेंज देख लो कि अगर साइन चेंज हो रहा होगा तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं कि डिफाइन अ फंक्शन, कि मान लीजिए इसको हमने एच ऑफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया, राइट। ये क्या हो जाएगा, वन माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। हमने क्या किया, इसका एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। भाई ये बताओ ये साइन कैसा होता है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है ना, और आपके पास ये भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा वन माइनस एक्स, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस है, ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर हम एट ए पॉइंट की जैसे जीरो ये वन हो जाएगा, माइनस का जीरो तो देन वन जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या मिल गया, ग्रेटर देन जीरो मिल गया। अभी ये बताओ हमें, अगर मैं एच ऑफ वन रखता हूं तो हमें क्या मिलेगा, एच ऑफ वन रखते हो तो माइनस का साइन एक्स आता है जो कि लेस देन जीरो हो जाएगा। अब यहां पर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन मिल रहा है जीरो पर, और वन पर आपको लेस देन मिल रहा है, साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है। तो अगर इस ओपन इंटरवल 0, 1 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर जो भी फंक्शंस होगा, ये जो फंक्शंस है एक बार तो आपके पास रियल लाइन को कट करेगा ही करेगा, और जब रियल लाइन को एक बार कट करेगा तो एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है। आपके पास जीरो पर वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो जो भी ग्राफ होगा आपके पास क्या होगा, एक बार तो कुछ ना कैसा भी करके किधर से भी जाएगा, एक बार रियल अक्ष कट करेगा। तो सी देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0, 1 अगर है तो उसके पास क्या होगा, क्योंकि जीरो पर जो फंक्शन और वन पर जो फंक्शन मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है ना, तो आपके पास एक बार कट करेगा तो एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन तो सही होगा, राइट, समझ में आ रहा भाई, चलो ठीक है। अब कह रहा है बी ऑप्शंस की बात कर रहा है, तो बी ऑप्शंस में क्या कहा जा रहा है, बी ऑप्शंस में कह रहा है कि फॉर अ नॉन जीरो पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स हैज एट लीस्ट वन अगर हम यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल की बात करें, क्योंकि पॉलिनोमियल है, अगर हम इसमें जीरो पॉलिनोमियल की बात करें
ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं भाई, जीरो पॉलिनोमियल की बात करें, मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल कुछ ना कुछ, अगर यहां पर पॉलिनोमियल हमारे पास कुछ ना कुछ दे दिया होता तो हम बोलते उन्होंने बोला है कि एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, हम पॉलिनोमियल कुछ भी ले सकते हैं ना, यहां पर वो दिया नहीं है तो हमने एक जीरो पॉलिनोमियल पिक कर लिया। तो जीरो पॉलिनोमियल अगर आपने लिया, इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल क्या मतलब, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपने जीरो रख लिया। तो अगर जैसे आप जीरो पॉलिनोमियल रखोगे तो क्या होगा, वो डिस्कार्ड कर देगा या नहीं करेगा, इस कंडीशंस को फुलफिल करेगा क्या, नहीं करेगा। और ऑप्शंस क्या कह रहा है, ऑप्शंस कह रहा है कि फॉर अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, अगर मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, अगर यहां पर हमने उन्होंने कहा है कि फॉर अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, हमने एक जीरो पॉलिनोमियल ले लिया, तो अगर आप जीरो पॉलिनोमियल ले लोगे तो ये हमारा क्या कर जाएगा, डिस्कार्ड कर जाएगा, इसीलिए उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। अगर नॉन जीरो पॉलिनोमियल है तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन मिलेगा, तो ठीक है भाई, अगर आप जीरो पॉलिनोमियल लेते हो तो आपके पास ये डिस्कार्ड कर जाता। तो यहाँ पर क्या है कि पी मॉडुलस ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है। अब जो मॉडुलस ऑफ पी ऑफ एक्स है, ये जो मॉडुलस ऑफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ये आपके पास इसका जो रेंज है, क्योंकि यहाँ पर क्या है पी ऑफ एक्स मॉडुलस में है, तो आपके पास जो रेंज होगा वो किसके बीच होगा, जीरो टू इन्फिनिटी में होगा। और e की पावर x कैसे डिफाइन है, ये जो e की पावर x है ये भी जो डिफाइन है, ये भी जीरो टू इन्फिनिटी में डिफाइन है। और अगर पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल मान लीजिए जो भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, क्योंकि नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, तो जो भी पॉलिनोमियल है अगर इवन पॉलिनोमियल है तो इन्फिनिटी पर जाएगा, अगर ऑड पॉलिनोमियल है तो भी इन्फिनिटी पर ही जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा, है ना, इन्फिनिटी पर ही जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है ऑड होगा या इवन होगा, जाएगा कहां पर, इन्फिनिटी पर ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम देखिए, थोड़ा सा नेट में इश्यूज है, तो अगर वॉइस ना मिलेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नेट में आज मॉर्निंग से इश्यूज है, सो मैं सोच रहा था क्लासेस को भी ना लूं, बट कई दिन हो गया था, ठीक है, तो अगर इश्यूज आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, वॉइस में या किसी में भी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स आपके पास कैसा है, इवन है, अगर इवन होगा तब भी आपके पास पॉलिनोमियल जो भी होगा, मॉडुलस लगा हुआ है तो इवन होगा, या मतलब इवन का मतलब या फिर पॉजिटिव पॉलिनोमियल ले लीजिए या फिर नेगेटिव पॉलिनोमियल ले लीजिए, जो भी आप ले रहे हो, इवन का मतलब पॉजिटिव पॉलिनोमियल, अगर आप नेगेटिव पॉलिनोमियल लोगे, चूंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है तो जाएगा इन्फिनिटी पर ही जाएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ ट्रेस करें, अगर हम यहाँ पर आपका ग्राफ बनाए, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर मान लीजिए इवन पॉलिनोमियल ले कुछ टाइप का बन रहा होगा, अगर आप ईवन ले रहे हो, अगर आप ऑड ले रहे हो तो कुछ इस टाइप सा बनेगा, कुछ इस टाइप का। तो आप यहां से क्या देख पा रहे हो, कहने का मतलब यह है कि पॉलिनोमियल अगर नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, कैसा अभी नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, तो जैसे मान लीजिए नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, चाहे मैं नेगेटिव पॉलिनोमियल ले लूं या फिर मैं पॉजिटिव पॉलिनोमियल ले लूं, उसकी मॉडुलस है तो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी पर ही जाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि अगर आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, अगर मान लीजिए इवन पॉलिनोमियल ले रहे हो तो कुछ इस टाइप से बनेगा, मान लीजिए वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर टाइप का ले रहे हो, अगर वाई इज इक्वल एक्स टाइप का ले रहे हो तो कुछ इस टाइप का बनेगा, बट आपके पास ये रियल एक्सिस को तो एक बार तो कम से कम कट करेगा,
बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आपके पास एक सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इस ओपन इंटरवल जीरो कामा, यहां पर इंटरवल की तो बात थी नहीं, ठीक है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, मॉडुलस ऑफ पी ऑफ एक्स एटलीस्ट ई की पावर एक्स है, तो इसके पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होगा ही होगा, कुछ भी होगा आपके पास ये रियल एक्सिस को एक बार तो कट कर ही जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग सी ऑप्शंस की बात करते हैं तो सी ऑप्शंस आपका क्या कह रहा है, सी कह रहा है एफ सच दैट आर टू आर बी अ कॉन्टिन्यूअस, कैसा है भाई, कॉन्टिन्यूअस है और पीरियोडिक है, जिसका पीरियड जो है ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट, आपके पास कुछ ऐसी कंडीशंस है, तो आप इसको देख लीजिए, सी ऑप्शंस को अगर हम बात करते हैं एफ सच दैट आर टू आर कॉन्टिन्यूअस है और पीरियोडिक है और टी ग्रेटर देन जीरो है, राइट, और कंडीशंस क्या है कि देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टी बाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, राइट, ठीक है। अब एक ऐसा एक्स नॉट जरूर सेटिस्फाइड कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टी बाई टू, जो कि क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स नॉट दे रहा है, तो हमने क्या कहा, हमने यहां पर इसको एक फंक्शंस बना लिया, क्या किया हमने, एक फंक्शंस बना लिया, कैसा फंक्शन सर, देखिए कुछ ऐसा हम लोग यहाँ पर फंक्शन ले लेंगे कि भाई हमने एच ऑफ एक्स एक फंक्शन बनाया, जो कि क्या, जैसा कि मैंने फर्स्ट ऑप्शंस के लिए एक फंक्शन बनाया था, सेम ऐसा यहाँ पर भी, वहां पर क्या था, वहां पर आपके पास इंटरवल गिवन था, यहाँ पर आपका पीरियड गिवन है, बस इतना ही अंतर है, जैसे ए ऑप्शन था एज इट इज सी ऑप्शन है, बट यहाँ पर पीरियड है, वहां पर इंटरवल था, ठीक है। तो यहां पर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टी बाई टू, उसके बाद क्या होगा, माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट, है ना, एफ ऑफ यहाँ पर एक्स नॉट ना लेकर के आप एक्स भी ले सकते हो, क्योंकि एच ऑफ एक्स हमने डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो जब एक्स नॉट रखूंगा तो एक्स नॉट हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, लेट कर लिया। चलो भाई, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हमें किस इंटरवल की बात कर रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक्स नॉट एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, इनका कहने का मतलब यही है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं कि अगर मैं एच ऑफ जीरो रखता हूँ, ये क्या बा मिलेगा, एफ ऑफ टी बाई टू मिलेगा, माइनस का एफ ऑफ जीरो मिलेगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, और फिर आप यहाँ पर टी बाई टू रख दीजिए, तो जब एच ऑफ टी बाई टू आप रखोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी बाई टू प्लस टी बाई टू, तो टी आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर एफ ऑफ टी बाई टू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एच ऑफ टी बाई टू, अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ टी है, ये एफ ऑफ टी है, अब देखिए यहाँ पर जो टी, यहाँ पर टी क्या है, उसका पीरियड है, अब जो भी फंक्शंस होगा अपने पीरियड को क्या करेगा, उस पीरियड के बाद वो क्या करेगा, रिपीट करता जाएगा, अगर वो जीरो पर जा रहा है, जैसे साइन का ग्राफ हो गया, टू पाई पर क्या देगा, जैसे पाई पर जीरो दे रहा है, फिर टू पाई पर, इस तरह से क्या होगा, पाई पीरियड के बाद, है ना, वो अपने पीरियड के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा, उसी टाइप का देगा, सेम वैल्यू देगा टी पीरियड के बाद, मतलब आपके पास टी का पीरियड है, एफ ऑफ टी क्या दे देगा, है ना, तो आप अगर यहां से देखिए तो t बाई टू, हम लोग इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि जो f ऑफ जीरो पर वो दे रहा होगा, बात समझिएगा, जो f ऑफ जीरो पर वो वैल्यू दे रहा होगा वही t पीरियड पर भी देगा, सेम वैल्यू देगा ना, कहने का मतलब है, क्योंकि उसका पीरियड सेम है, सेम पीरियड पर सेम वैल्यू देगा,
जैसे जीरो पर आपके पास जो वैल्यू दे रहा है वही टी पीरियड पर देगा, फिर उसी तरह अगला वाले पीरियड पर भी वही वैल्यू देगा। तो इसको एफ ऑफ टी को मैं एफ ऑफ जीरो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ टी बाई टू, अब अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये एफ ऑफ टी बाई टू माइनस का एफ ऑफ जीरो मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब ये एच ऑफ टी बाई टू हो गया। अब ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर और ये वाला जो दिख रहा है, इसमें क्या है, माइनस साइन चेंज है या नहीं है? वो पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, साइन चेंज है। और अगर साइन चेंज होता है तो आपके पास एक रूट मिलता है। अगर साइन चेंज हुआ तो आपको एक रूट मिलेगा, एटलीस्ट वन रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपके पास ये सी ऑप्शन जो था वो भी आपके पास यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन कह रहा है एफ सच दैट आर टू आर बी और कॉन्टिन्यूस एंड पीरियोडिक विद टी ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट है, ठीक है। तो पीरियड यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, पीरियड ये बेसिकली है क्या, दिस इज द पीरियड की डेफिनेशन ही तो लिखी है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, टी ग्रेटर यहाँ पर पीरियड है, तो ये तो ऑलमोस्ट सही है। तो यहाँ पर आपके चारों के चारों ऑप्शंस क्या थे, करेक्ट थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। थर्टीन एफ सच दैट आर टू आर बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द इमेज ऑफ सेमी क्लोज है जीरो कॉमा वन अंडर एफ। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ए ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं, ए ऑप्शन ये क्या है, सिंगलटन जीरो है ना। तो इंटरवल आपके पास कुछ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जीरो पर ओपन है और वन पर क्लोज है। अब ये सिंगलटन जीरो मिल रहा है तो अगर आप यहां पर कॉन्स्टेंट जीरो लेते हो, क्योंकि हमें क्या अंडर फंक्शन एफ पर बात करना है, इमेज ओपन इन इसकी इमेज नहीं होगा, कौन इसकी इमेज नहीं होगा ये कह रहा है, ठीक है। तो अगर आप जीरो ले रहे हो, सिंगलटन जीरो मिल रहा है, तो अगर जीरो पर आप सर्कल कर रहे हो, जीरो पर भी आप क्या कर रहे हो, सर्कल कर रहे हो, तो आपके पास यहां पर क्या मिलेगा, जीरो पर अगर आप सर्कल, अगर आप जीरो पर सर्किल आप ले रहे हो, क्योंकि आपको क्या देखना है, कहां पर इमेज नहीं मिल रही है, तो जीरो पर आपको नहीं देखना है, ये तो नहीं होगा ना। करा है आर टू आर में ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है, और कराएगी कौन सा इसमें से सेट होगा जिसमें इसकी इमेज नहीं मिल रही होगी। तो अगर आप जीरो पर सर्किल कर रहे होगे तो जीरो पर हमें क्या देखना है, जहां पर हम सर्किल करेंगे वहां पर हमें इमेज नहीं देखना, बट यहां पर तो मिल रही है ना, ये तो नहीं होगा। अगर ओपन इंटरवल जीरो कॉमा वन की बात कर रहे हो तो यहां पर आपके पास मिल जाएगा, तो अगर आप बी को अभी छोड़ दीजिए, आप डिस्कार्ट वाला थ्योरम लगा लीजिए, ठीक है। तो अगर हम लोग सी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, ये ए ऑप्शंस था, पहले सी को देख लीजिए, बी को हम लोग डिस्कार्ड वाले सभी दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर जीरो पर क्या है, क्लोज है, और वन पर इस बार ओपन है, ठीक है। अब आपको यहां पर कहा जा रहा है क्या यहां पर एक, तो आप ऐसा एक ले लीजिए और यहां पर आप एक हॉलो सर्कल कर दीजिए, खाली सर्कल, यहाँ पर आपने सर्कल किया था, हॉलो सर्कल यहाँ पर भी किया था, यहाँ पर देखिए जीरो पर जीरो, और हमने क्या लिया, सेमी ओपन ले रहा हूँ,
सेमी ओपन है, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या दिख रहा है, अगर हमारे पास ये क्या है, सी ऑप्शन में सेमी ओपन है, जीरो पर क्लोज है, वन पर ओपन है। तो अगर हमने ऐसा एक ले लिया, यहां पर हमें क्या करना, तो क्या आप ऐसा कोई ग्राफ बना सकते हो? अगर आप ऐसा एक भी ग्राफ बना दो कि जहां पर क्या मिल रहा हो, इमेज ना मिल रही हो, तो हम मान लेंगे कि भार हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो अगर मान लीजिए हमने कुछ ऐसा फंक्शन बना दिया, ऐसा कुछ, तो हमारे पास इसमें जो आपके पास है, इसकी इमेज तो मिलने लगेगी ना, इसमें इसकी इमेज मिलने लगेगी, और जब इमेज हमें नहीं चाहिए होगा, इसलिए सी भी फेल हो गया। अगर डी ऑप्शन की बात करो, तो डी ऑप्शन में भी आप ऐसा कर सकते थे कि मान लीजिए हमारे पास क्या, इस बार क्लोज है, जीरो पर भी क्लोज है, वन पर भी क्लोज है। हमने कहा कि भाई हम यहाँ पर क्या कोई ऐसा फंक्शन बना पाए जहां पर इन दोनों की इमेज मिल रही हो, तो हमने कहा ठीक है भाई, इधर कहा देखिए, यहाँ पर ऐसा हमने एक फंक्शन बना दिया, लो भाई इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। ये देखो वन पर, ठीक है, तो एक यहाँ पर भी हमारे पास मिल रहा है, इमेज तो मिल रही है ना। यहाँ पर देखिए ऐसा हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसकी इमेज मिल रही है, ये भी फेल हो गया। बचा कौन सा, यही पर ऐसा इंटरवल है बी वाला, ओपन इंटरवल 0,1 है, जहां पर आपके पास इमेज नहीं मिल रही होगी, ठीक है। इसमें भी मिल रही है इमेज, हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लिया, जीरो है ना, कांस्टेंट जीरो ले लिया, तो कांस्टेंट जीरो ले लिया तो इमेज मिलने लगी। सी ऑप्शंस में हमने देख लिया, हमने ऐसा कुछ फंक्शन ले लिया जहां पर इसकी इमेज मिलने लगी, ठीक है, यहाँ पर इसकी इमेज मिलने लगी। इधर हमने ऐसा ले लिया, क्लोज ले लिया, तो यहाँ पर भी हमें इमेज मिलने लगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब यहां पर हो गया, तो इसलिए आपका बी ऑप्शंस में, बी में ही आपको इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। हमें यहाँ फंक्शन अंडर फंक्शन देखना था, अगर वहां पर इसकी इमेज जो है अंडर फंक्शंस में देखना, अगर मिल रही है तो नहीं होगा, अगर नहीं मिल रही होगी तो ही सही होगा। तो ए में भी मिल रही है, सी में भी मिल रही है, डी में भी मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अपन देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ए ऑप्शंस की बात करें कि एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए कामा बी टू आर, राइट। अब देखिए यहां पर कैसा है, कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो आपके पास ये कैसा है, ये क्लोज भी है, ये क्लोज इंटरवल है, और प्लस कॉन्टिन्यूस है, और क्लोज इंटरवल प्लस कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होगा, ये इंप्लाई करेगा कॉम्पैक्ट को, ये किसको हम इंप्लाई करेगा, कॉम्पैक्ट को इंप्लाई करेगा, और कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट ही की इमेज कॉम्पैक्ट ही होगी, तो वो भी क्या होगी, क्लोज एंड बाउंडेड होगी। कॉम्पैक्ट की जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी भाई, कॉम्पैक्ट होगी, और कॉम्पैक्ट का मीन्स क्लोज एंड बाउंडेड होगा। तो वही तो ये कह रहा है, क्या बी ऑप्शन कह रहा है, एफ सच दैट, ये भी आपके पास क्या है, क्लोज इंटरवल से, और आईबीपी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ठीक है। अगर हम लोग बी ऑप्शंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, पहले सी ऑप्शन देख लो, ठीक है। अब ये क्या है, एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए कामा बी टू आर, क्लोज इंटरवल ए कामा बी ही है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, सी ऑप्शंस में क्या है कि ये आईबीपी है और प्लस अनटू है, तो अगर आईबीपी और अनटू है तो ये डज नॉट इंप्लाई करता है कॉन्टिन्यूस को, ठीक है, इसलिए सी तो फेल हो गया। और डी ऑप्शंस क्या कर रहा है, अगर वो आईबीपी है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्लस ये 1,1 है, तो आपके पास ये आपके पास कॉन्टिन्यूस को इंप्लाई करता है, तो डी सही हो जाएगा, सी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस
सेटिस्फाइड आईवीपी देन कॉन्टिन्यूस, तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा बी भी, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है एफ सच दैट ए टू बी ए क्या है क्लोज इंटरवल है प्लस कॉन्टिन्यूस है, तो किसको सेटिस्फाइड करेगा, कॉन्टिन्यूस सेटिस्फाइड आईवीपी, तो देन आपके पास कॉन्टिन्यूस होगा, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यू होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड होता है, ठीक है। आईबीपी और आन टू जो होता है वो कॉन्टिन्यूस को इम्प्लाई नहीं करता, आईबीपी प्लस अगर वन वन है तो कॉन्टिन्यूस को इम्प्लाई करता है, ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आपके पास आईबीपी था और ये कॉन्टिन्यूस था, यहाँ पर ये क्या है क्लोज था, ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस सेटिस्फाइड आईबीपी, बट हमने क्या कहा कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, आईबीपी होना चाहिए और प्लस वन वन होना चाहिए, तो वन वन की तो यहाँ पर बातें हो नहीं रही है, तो ये कॉन्टिन्यूस तभी इम्प्लाई करेगा, ठीक है। चले अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है क्वेश्चन भाई, कंसीडर एफ सच दैट आर टू आर बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन क्या रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिल, अगर हम रेशनल के थ्रू जा रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस थ्योरम, अब ये थ्योरम आपकी क्या बोलती है, कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि जो भी फंक्शंस है, जो भी आपके पास फंक्शंस है, जैसा उसका बिहेवियर डेंस सेट पर होगा वैसा ही उसका बिहेवियर पूरे आर में होगा, बात समझ में आई, ये कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस थ्योरम ये बोलती है कि जैसा बिहेवियर उसका डेंस सेट पर होगा वैसा ही बिहेवियर उसका पूरे आर में होगा, सेम बिहेवियर रखेगा, ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन वो डेंस है आर में, अगर कोई फंक्शन डेंस होगा आर में तो आपके पास ओवरऑल क्या हो जाएगा, सेम बिहेवियर रखेगा, ठीक है, तो आपके पास ये जो क्यू होता है, ये जो क्यू है ए ऑप्शन में, क्यू क्या है, क्यू जो है वो डेंस होता है, हमने बताया है पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी में कि जो क्यू है वो डेंस होता है किस में, आर में, तो आपके पास अब ये अगर डेंस है आर में तो ओवरऑल f of x का सेम बिहेवियर होगा, फंक्शंस का सेम बिहेवियर होगा, मतलब f of x क्या देगा, जीरो देगा फॉर ऑल x, इसलिए a वाला तो सही हो जाएगा, समझ में आ रहा भाई, b ऑप्शंस का रहा है ये जो q कॉम्प्लीमेंट है ये भी r में डेंस होता है, ये भी q कॉम्प्लीमेंट, ये भी क्या होता है डेंस होता है किसमें, r में, तो अगर ये भी डेंस है r में तो पूरे r पर ये भी जीरो होगा, है ना, ये भी क्या है डेंस है आर में, तो अगर डेंस है आर में तो आपके पास एफ ऑफ एक्स ये भी जीरो देगा, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब सी ऑप्शन की अगर बात करें तो सी ऑप्शन में कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, व्हिच इंप्लाई एफ ऑफ एक्स जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, आपके पास सेट गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, व्हिच इंप्लाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, और यहाँ पर एक ए से डिफाइन कर दिया गया है कि m अपॉन 2 की पावर n सच दैट m इंटीजर से आ रहा और n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा, राइट, यही है भाई, है ना, ठीक है। अब ये जो होता है, ये जो सेट होता है, हमने इस सेट के बारे में बताया है कि ये डेंस होता है R में, ये जो सेट है डेंस होता है किसमें, R में होता है, ठीक है, तो अगर इन R में ये डेंस होता है, तो अगर ये डेंस है R में तो पूरे ओवरऑल आर में क्या करेगा, सेम बिहेवियर रखेगा, सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, सेम बिहेवियर होगा ओवरऑल में, है ना, इसलिए आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास सही हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल में ये एफ ऑफ एक्स का सेम बिहेवियर होगा, फंक्शंस का सेम बिहेवियर होगा। अब डी ऑप्शंस क्या कर रहा है, डी ऑप्शन में ये कह रहा है f f of x is equal to zero for all x belonging to integer for which imply f of x is equal to zero for all x, तो जो z होता है इसके लिए आप काउंटर एग्जाम्पल्स ले सकते हो, काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ साइन
पाई एक्स ले सकते हो, ठीक है। अब अगर आप यहां पर इंटीजर में रखोगे, अगर आप यहां पर वैल्यू किसकी रखोगे, अगर इंटीजर वैल्यू रखते हो, ये क्या देगा, ये जीरो देगा। बट अगर आप ओवरऑल में देखोगे, अगर आप पूरे आर में देख रहे होगे, तो ये जीरो नहीं देगा। अगर आप इंटीजर पर इसको देख रहे हो, इस फंक्शंस को अगर आप इंटीजर पे देख रहे हो, तब तो ये ठीक है, एफ ऑफ एक्स जीरो दे रहा है। बट अगर आप ओवर पूरे आर में देखोगे, तो ये हर, क्योंकि ये इंटीजर पर ही जीरो देगा, हर जगह जीरो देगा ना, इसलिए डी तो फेल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा भाई? चले ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। फंक्शंस आपके पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन दिस इज द लॉग मॉड एक्स, राइट। ठीक है, अब ये जीरो पर क्या है, अनडिफाइंड है। ये जीरो पर कैसा है, ये जो फंक्शन है जीरो पर अनडिफाइंड है। अगर हम लोग -1 की बात करें, और यहां पर क्या बोला जा रहा है कि सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां पर होगी, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो अगर आप जीरो पर देख रहे हैं, तो जीरो पर क्या है, अनडिफाइंड है। अब अगर -1 और 1 की बात करें, तो अगर आप यहाँ पर -1 रख रहे हो इस फंक्शन में, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन लॉग मॉड ऑफ -1, देन ये भी इन्फिनिटी देगा। अगर आप 1 रख रहे हो, तब भी आपको क्या देगा, लॉग 1 देगा, तब भी ये इन्फिनिटी देगा, अनडिफाइंड। है ना, तो आप देखिए यहां पर ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमें पूरा देखना है ना, क्योंकि ये जीरो पर भी अनडिफाइन है, -1 पर भी अनडिफाइन है, 1 पर ही है, तो यहाँ तो तीनों वाला सही होगा, सेट हमें चाहिए था। तो सिंगलटन अगर मोर देन होता तो आप लगा सकते थे, बट यहाँ पर सिंगल अगर करेक्ट है तो सी वाला सही होगा, क्योंकि -1 पर भी अनडिफाइन हो रहा है, अगर अनडिफाइन हो गया तो डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, -1 जीरो और 1 तीनों पर हो रहा है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन से कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन आने क्लोज इंटरवल 0,1, और फंक्शन डिफाइन है कि अगर हम इरेशनल के थ्रू जा रहे हैं तो जीरो पर जा रहे हैं, अगर हम रेशनल के थ्रू जा रहे हैं तो 1/q पर जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमारे पास डिफाइन किया गया है। तो ठीक है, अगर हम लोग ए ऑप्शन की बात करते हैं, तो ए ऑप्शन में क्या है, क्लोज इंटरवल 0,1 है। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट की बात करें, अगर हम लोग, क्योंकि मैं लिमिट की बात करना है कि एफ ऑफ एक्स हैज अ लिमिट ऑफ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, उसके पास एक लिमिट होगा, ठीक है, ओ क्लोज इंटरवल 0,1 में। तो ठीक है, अगर मैं लिमिट की बात करूँ, 0+ की बात करो, तो 0+ की बात करूँ तो इरेशनल के थ्रू जाऊं, 0+ की बात करूँ तो इरेशनल के थ्रू जाऊं, और इरेशनल के थ्रू जाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, जीरो आएगा। अगर हम रेशनल के, अगर इरेशनल के थ्रू नहीं जा रहे हो, तो भाई रेशनल के थ्रू जाओगे, और अगर आप रेशनल के थ्रू जाओगे तो आपको 1/q मिलेगा, 1/qn टाइप का मिलेगा, 1/q मतलब 1/qn टाइप की कोई सीक्वेंस मिलेगी, और 1/qn टाइप की अगर आपके पास सीक्वेंस मिलेगी, किस टाइप की सीक्वेंस मिलेगी, 1/qn टाइप की सीक्वेंस मिलेगी, है ना, और ये क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी। अगर आप रेशनल के थ्रू जाओगे तो 1/q टाइप का मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर qn एक सीक्वेंस टाइप बना लिया, 1/qn टाइप का कोई सीक्वेंस मिलेगी, जो कि क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी। अगर आप इन्फिनिटी इसको ले जाओगे सीक्वेंस को, तो आपके पास ये क्या दे देगा, जीरो दे देगा, और जब जीरो दे देगा तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि इरेशनल के थ्रू जीरो जा रहा है, अगर आप इसको इन्फिनिटी ले गए तो ये भी जीरो दे देगा, तो आपकी यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ पर एक अल्फा ले लिया, इसके बीच हमने एक अल्फा ले लिया, कि हम अगर आप अल्फा जो हमने लिया, अगर मैं अल्फा को रेशनल के थ्रू ले जा रहा हूँ, और अल्फा हमारे पास क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो लेकर के चल रहा हूँ, इसको मैं ऑलरेडी जीरो नहीं लिया हूं, अगर मैं रेशनल के थ्रू जा रहा हूँ,
फंक्शंस की वैल्यू क्या देगा ये हमें देखना है ना। इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0,1 में, अगर हम मान लीजिए एक पॉइंट हमने ले लिया अल्फा, और अल्फा को हमने इसको रेशनल के थ्रू ले गए, और अल्फा में डज नॉट जीरो लिया है, तो अगर रेशनल के थ्रू जाओगे तो 1/QN टाइप का कोई सीक्वेंस आएगा, और जब आप इसको इन्फिनिटी पर ले जाओगे तो ये जीरो दे देगा, आपको क्या दे देगा, ये जीरो दे देगा। क्यों जीरो दे देगा, क्योंकि QN डिवाइड करता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि QN पर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट अगर आप PN से डिवाइड करोगे तो इफेक्ट आता है, ठीक है। अगर आप इरेशनल के थ्रू जा रहे हो तो जीरो इन्फिनिटी ले गए, तो 1/QN टाइप का बनाया, और QN जो होता है वो डिवाइड करता है, इसलिए जीरो पर जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी को इरेशनल के थ्रू जा रहे हो, क्यू कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जा रहे हो, तो आपके पास ये क्या देगा, ये जीरो दे देगा। तो आपके पास जब दोनों रेशनल पर भी जीरो, इरेशनल पर जीरो, तीसरा वाला लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई ना, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना। तो वही कह रहा है कि लिमिट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0,1। हाँ सही है, ठीक है, समझ में आ रहा भाई। तो यहां पर ए तो सही है। अब बी ऑप्शन क्या कर रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स हैज इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या कर रहा है, तो अगर हम यहां पर डिसकंटिन्यूटी की बात करा तो हम पहले कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। तो अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें, कंटिन्यूटी की अगर बात करें, तो वो क्या कह रहा है कि इसमें आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, तो हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी की अगर आप बात करें तो उस पॉइंट पर, कंटिन्यूटी में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस अगर हमें देखना है तो लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम आने चाहिए। तो जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हो तो उसकी वैल्यू तो पता करना होगा, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होगा उस पॉइंट पर। तो अगर हमें अल्फा को रेशनल के थ्रू ले जा रहा हूं, तो रेशनल के थ्रू अगर वो जाएगा तो 1/Q टाइप का आएगा। देखो भाई, अगर आप रेशनल के थ्रू जा रहे हो तो 1/Q, इरेशनल के थ्रू जा रहे हो तो जीरो पर जा रहे हो, तो 1/Q टाइप का आएगा। तो LHS और RHS तो आपके पास इक्वल है, यहां पर अगर 1/Q टाइप का आ रहा है तो LHS और RHS तो सेम होगा, इक्वल होगा। बट एग्जैक्ट पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो, वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सेम नहीं होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में हम लोग यही करते हैं कि लेफ्ट RHS, LHS और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम होगा तो कंटिन्यूटी मिलेगी। तो यहां पर अगर वो रेशनल के थ्रू जा रहे हो तो 1/Q टाइप का रहा है, और अगर हम LHS RHS देखेंगे तो सेम ही आएगा, इक्वल आएगा, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसके इक्वल नहीं आएगी। एग्जैक्ट पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो वहां पर क्या होगा, ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। और जब तीनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, मीन्स रेशनल पर ये क्या देगा, रेशनल पॉइंट पर ये डिसकॉन्टिन्यूस दे देगा। समझ में आ रहा है, अगर आप इरेशनल के थ्रू जा रहे हो, क्यू कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जा रहे हो, तो भाई अगर आप क्यू कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जा रहे हो तो हमेशा वो कर आज जीरो पर ही जाएगा, वो जीरो पर ही जाएगा। तो LHS, RHS और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस जो भी आपके पास पॉइंट होगा, मान लीजिए अल्फा है तो सेम होगा। तो अगर आप इरेशनल के थ्रू जा रहे हो तो आपको कॉन्टिन्यूस मिल रहा है, कॉन्टिन्यूटी मिल रही है। तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स हैज इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नहीं भाई, रेशनल पर आपके पास क्या मिल रहा है, रेशनल पर, रेशनल के थ्रू अगर जा रहे हो तो हमें कॉन्टिन्यूस नहीं मिल रहा, डिसकॉन्टिन्यूस मिल रहा है। और अगर हम इरेशनल के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि हम रेशनल के थ्रू जा रहे हैं और ये कैसा होता है, काउंटेबल होता है ना, और अगर इरेशनल के थ्रू जा रहे हैं तो ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है ना। तो अगर आप रेशनल के थ्रू जा रहे हो तो हमें क्या मिल रहा है, डिसकॉन्टिन्यूटी जो मिल रही है वो कैसी मिल रही है, काउंटेबल मिल रही है ना,
इनफाइनाइट पॉइंट तो नहीं मिलेगी ना, तो इसलिए बी तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सी कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स अनअकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ, रेशनल पर आपको क्या मिल रहा है, डिसकंटिन्यूस मिल रहा है जो कैसा है, काउंटेबल है। बट अगर हम लोग सी ऑप्शन से देख रहे हैं, हाँ निखिल क्या बोलना चाह रहे भाई, बोलो क्या इश्यूज है। देखो हमें यहाँ पर इसलिए इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अगर हम रेशनल के थ्रू जा रहे हैं तो हमारे पास डिसकंटिन्यूस तो मिल रहा है, बट अगर हम इरेशनल के थ्रू जा रहे हैं तो हमें कॉन्टिन्यूस मिल रहा है। तो हमें तो वहां बी ऑप्शन में डिसकंटिन्यूटी देखना, मतलब डिसकंटिन्यूस देखना है, और ये किसके थ्रू जा रहे हैं, रेशनल के थ्रू। रेशनल जो होता है वो काउंटेबल होता है, तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो नहीं मिलेगा ना। इनफाइनाइट मतलब जिससे हम काउंट ना कर पाए, बट हम तो इसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होता है, इसलिए बी फेल हो गया। सी कह रहा है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0,1 में बात कर रहा है। अब आपके पास देखिए इरेशनल के थ्रू जा रहे हैं तो काउंट क्या मिल रहा है, इरेशनल के थ्रू जा रहे हो तो कॉन्टिन्यूस मिल रहा है, और रेशनल के थ्रू जा रहे हो तो डिसकॉन्टिन्यूस। तो अगर मैं अल्फा को रेशनल के थ्रू ले जा रहा हूं तो हमें क्या मिलेगा, ये कैसा होता है, काउंटेबल होता है, और काउंटेबल होता है कह रहा है कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। तो इस इंटरवल में आपके पास अनकाउंटेबल ओपन इंटरवल 0,1 के अंतर्गत आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि इरेशनल के थ्रू जा रहे हो ना तो 1/Q टाइप का बनेगा ना, तो आपको कितने लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे, अनकाउंटेबल, इस इंटरवल 0,1 में अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसलिए सी वाला तो सही होगा। डी ऑप्शन कह रहा है एफ ऑफ एक्स हैज एट ऑल लिमिट पॉइंट ओनली क्यू कॉम्प्लीमेंट। नहीं भाई, एक ही तो नहीं मिलेगा, रेशनल और इरेशनल दोनों पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स हैज लिमिट ओनली इरेशनल पर लिमिट एग्जिस्ट कर, नहीं भाई रेशनल पर भी कर रही है, देखो LHS RHS इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट कॉन्टिन्यूस नहीं था, है ना, यहाँ पर भी कर रही, दोनों में आपके पास कर रही है ना, बट यह कर रहा क्या कर रहा, इरेशनल पर कर रहा, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट जो है आपको एप्लीकेशंस पर मिलेगी, ठीक है। एफ सच दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ सच दैट आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। देन आपके पास ए ऑप्शन है एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए व्हिच इंप्लाई एफ इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। बी ऑप्शन कह रहा है एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, है ना, तो सो आप क्वेश्चन पढ़िए। तो अपन ए ऑप्शन की बात करते हैं, है ना, तो आपका ए ऑप्शंस क्या कह रहा है कि फंक्शंस कैसा है, फंक्शंस आपके पास कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, ठीक है। तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है, अगर कॉन्टिन्यूस है ए पर और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, और आपके पास जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है, एफ सच दैट आर टू आर में फंक्शन डिफाइन है, राइट, समझ में आ रहा भाई, फंक्शंस कहाँ डिफाइन है, आर से आर में डिफाइन है, और कंडीशंस क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर, अब इसके बारे में हम लोगों को बताया गया है कि अगर ये किसी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो गया तो ओवर थ्रू ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, पूरे आर में कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना, तो वही कह रहा है क्या है? पूरे आर में अगर आपके पास एट ए पॉइंट पर अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो पूरे के पूरे आर में वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, देख लो यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को जो हम फंक्शन ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स को अगर मान लीजिए एक्स एक्स टाइप का हम ले लेते हैं, ऐसा हम ले लेते हैं फंक्शन, और ए हमारे पास क्या होता था, हमने वहां पर बताया था कि एफ ऑफ एक्स इसको एक्स टाइप का लेते हैं, और जो ए होता वो एफ ऑफ ए होता, जब हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर, तो फंक्शन जो चूज करते हैं कुछ इस टाइप का लेंगे, और ए जो होता है वो एफ ऑफ वन होता है, ठीक है।
तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास इसमें क्या होगा, अगर एक पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ये आपके पास क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो ये ओवरथ्रो कॉन्टिन्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ए वाला तो सही है, ये कॉन्टिन्यूस होगा, ये कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पर, अगर एक कॉन्टिन्यूस है एट ए पॉइंट वन पर, तो ओवर थ्रू ये क्या हो, बाय द कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस थ्योरम, सो ओवरऑल ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करते हैं कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये क्या होगा, वन वन होगा। तो अगर फंक्शन वन वन है एंड एन टू होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वन वन भी होगा एन टू भी होगा, ठीक है, वो कर रहा है वन वन होगा तो सही है। ये जो हमारे पास ये फंक्शन है ये कैसा था, ये वन वन भी है एन टू भी है, दोनों है, तो इसलिए आपके पास कर रहा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो ये क्या होगा, वन वन भी होगा, तो ये दोनों होता है, सही है। एफ इज कॉन्टिन्यूस देन नॉट वन, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट, तो एन टू भी होगा, हाँ सही है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये कैसा है, वन वन भी होता है एन टू भी होता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, एफ सच दैट आर टू आर ए कॉन्टिन्यूस एंड पीरियोडिक, देन इट्स क्या होगा आपके पास। तो अपन देखिए यहां पर एफ सच दैट आर टू आर में डिफाइन है, एफ सच दैट आर टू आर में फंक्शन डिफाइन, और कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और प्लस पीरियोडिक है, पीरियोडिक, कॉन्टिन्यूस है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो देन हम लोग क्या जानते हो, तो उसका हम लोग पीरियड देख लेते हैं कि उसका पीरियड में कैसा बिहेवियर कर रहा है ना। तो ओवर थ्रू पूरे आर में सेम बिहेवियर करेगा, क्योंकि वो सेम पीरियड पर क्या करेगा, फंक्शन वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, जो फंक्शन का बिहेवियर होगा वो उस पीरियड, है ना। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शंस का जो पीरियड है, वे हमने पीरियड क्या लिया, हमने मान लीजिए टी पीरियड ले लिया कि टी पीरियड है, तो अगर उसका पीरियड टी है तो ओवर थ्रू क्या करेगा, सेम बिहेवियर करेगा, जैसे पीरियड रिपीट करेगा उस सेम बिहेवियर, फंक्शंस का सेम बिहेवियर रिपीट करेगा। तो टी पीरियड है तो जो भी पीरियड होगा उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में बात हो रही है, जो भी इंटरवल होगा उस इंटरवल, जो भी इंटरवल होगा उस इंटरवल में जो फंक्शंस होगा वो क्या होगा, बाउंडेड को अटेन करेगा। अगर वो बाउंडेड को अटेन करेगा तो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो भी होगा, क्या होगा आपके पास, वो बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों होगा, ठीक है। पीरियड क्या है, अगर टी है, अगर हमने मान लीजिए कोई फंक्शंस है आर टू आर में कॉन्टिन्यूस है और पीरियोडिक फंक्शंस है, ठीक है, उसका पीरियड टी है, तो अगर उसका पीरियड टी है तो जो भी कोई आप पर्टिकुलर मान लीजिए कोई इंटरवल आप ले रहे हो, तो जो भी आप इंटरवल पिक कर रहे हो उस इंटरवल बाउंडेड है, तो अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड कब होता है, जब वो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो, है ना। तो ये कह रहा है कि अटेन इट्स सुप्रीमम ओनली, क्या वो ओनली सुप्रीमम को अटेन करेगा, नहीं भाई, ये तो इनकरेक्ट हो गया, अटेन इट्स इनफिमम ओनली, नहीं भाई ये भी इनकरेक्ट हो गया, अटेन वो सुप्रीमम ओनली, हाँ बिल्कुल सही बात है, डी भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो बाउंडेड है और बाउंडेड बिलो है तो दोनों को अटेंड करेगा ना, सुप्रीमम जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इनफिमस जो सबसे छोटी, वो बाउंडेड अटेंड कर रहा है, इससे मतलब बाउंडेड एबव भी होगा, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो होगा तो सुप्रीमम और इनफिमम तो अटेंड करेगा, तो करा ओनली नहीं, इसलिए दोनों जहां होगा वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है,
देखिए 20 क्वेश्चन कह रहा है कि सच दैट क्लोज जीरो और ठीक है सेमी ओपन है, तो जीरो पर क्लोज है और इनफिनिटी पर ओपन होता है, ठीक है। बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर हम लोग इस ऑप्शन की बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो डिफाइन किया गया है फंक्शंस, फंक्शंस कहाँ से डिफाइन है, कुछ ऐसा डिफाइन है, ठीक है। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट एक ऐसा पॉइंट है जो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब आपको एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट का मीन्स आपको फिक्स पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको क्या मिल रहा है, अभी फिक्स पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस इंटर हमारे पास फंक्शन इसमें डिफाइन है, तो हम अगर ए ऑप्शंस की बात करें तो ए ऑप्शंस में हमने कहा भी फंक्शंस आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ले लीजिए, ये आपके पास जो डिफाइन होता है वो इसी इंटरवल में डिफाइन होता है। तो हम यहाँ पर हमने एक ऐसा फंक्शन ले लिया, ये वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ है और आप यहाँ पर y इक्वल टू एक्स बना लीजिए। अब क्या ये कभी इन दोनों को कट करेगा, और जब कट नहीं करेगा जब आप ये आपके पास क्या होगा, क्या यहाँ पर एक भी फिक्स पॉइंट मिलेगा, इसको टच ही नहीं करेगा कहीं पर, और जब टच नहीं करेगा तो एक भी फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया बाय दिस। हमने क्या लिया, हमने एक फंक्शन वाइज कोड की पावर एक्स ले लिया और हमने एक यहाँ पर वाइज कोड एक्स ले लिया, एक ग्राफ बनाया और हमने देखा यहाँ पर इन दोनों को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, तो एक भी फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर बी ऑप्शंस की बात करो, पहले डी बात कर लेते हैं, डी क्या कर रहा है, तो डी कह रहा है एफ डज नॉट हैव अ फिक्स पॉइंट अनलेस इट्स डिफरेंशिएबल ऑन ए ओपन इंटरवल जीरो कामा इनफिनिटी। तो डी ऑप्शन पहले देख लो, तो अगर हम फंक्शन से यहाँ पर कुछ ऐसा चूज कर लें कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ले लेते हैं, तो भाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ तो ये है, दिस इज वन पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर जब आप वाई इक्वल एक्स करोगे, ये वाई इक्वल एक्स, तो आपके पास ये एक तो मिल जाएगा ना, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट मिलेगा, बट ये कैसा है, ये नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू वन पर, हमने बताया था ग्राफिकल मेथड पर, अगर कर्नर एंड ब्रेकिंग पॉइंट आता है फंक्शन विल नॉट डिफरेंशिएबल, तो यहाँ कर्नर मिल रहा है वन पर, तो अगर कर्नर मिल रहा है तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, और हमने वाई इज इक्वल टू एक्स ड्रा किया तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट कट पॉइंट मिला ना, उस फंक्शन को कट कर गया, इसी वाले एक फिक्स पॉइंट मिल रहा है, बट ये कह रहा है कि नॉट हैव अ फिक्स पॉइंट अगर डिफरेंशिएबल है, अनलेस यू डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसके पास फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा, बट एक ऐसा मिल गया ना, इसलिए डी भी फेल हो गया, ठीक है। चले अब बी ऑप्शंस की बात कर लो, तो बी ऑप्शंस कह रहा है कि एफ ओ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जीरो पर क्लोज है और इनफिनिटी पर ओपन है, ठीक है, फॉर एम ग्रेटर, फॉर सम एम ग्रेटर देन जीरो। अब ये जो कि यहाँ पर क्या लेस देन आर इक्वल लगा, इसका मतलब ये क्या है, ये आपके पास फंक्शन कैसा बाउंडेड है, फंक्शन क्या है एम से बाउंडेड है ना, मीन्स अगर एम से वो बाउंडेड है तो एम से तो नीचे ही होगा, जो भी फंक्शन होगा उसके ऊपर तो नहीं मिलेगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एम है मतलब एम से नीचे ही होगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, तो मान लीजिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनाऊं कि सपोज करिए मान लीजिए y इज इक्वल टू m है, इससे बाउंडेड है फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू m से मान लीजिए बाउंडेड है, और हमने इसमें एक लाइन y इज इक्वल टू x ले लिया, ये हमने y इज इक्वल टू x लाइन ड्रा किया, तो जो भी फंक्शन होगा इस m से ऊपर तो नहीं जाएगा, y इक्वल टू एक्स जो होगा ये y इक्वल टू एक्स लाइन जो होगा वो m के तो नीचे ही रहेगा, m से ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि फंक्शन आपका बाउंडेड है, ठीक है। तो अगर आप जीरो पर फंक्शन का बिहेवियर, अगर मैं जीरो पर बात करूं कि जीरो पर इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, तो जीरो पर जो भी फंक्शन का बिहेवियर होगा
वो क्या होगा, जीरो से ऊपर ही होगा क्योंकि नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर आप जीरो के इक्वल हो जाएगा, अब आप कहोगे अगर आप जीरो पर इसकी क्या देख रहे हो, इसकी पॉसिबिलिटीज देख रहे हो, फंक्शंस का बिहेवियर देख रहे हो, तो जीरो पर फंक्शंस का बिहेवियर क्या होगा, या तो आपके पास वो ऊपर जाएगा, जीरो से ऊपर होगा, या फिर इक्वल होगा, नीचे हो नहीं सकता। अगर वो इक्वल हुआ, अगर जीरो पर फंक्शंस इक्वल हुआ, फंक्शन जो है जीरो पर आप देख रहे हो अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंडीशंस आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि जीरो पर क्लोज है तो आपके पास क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो क्या होगा, ऊपर ही होगा, नीचे तो होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। और अगर हम एम पॉइंट की बात कर रहे हैं और जो भी आपके पास फंक्शंस होगा वो एम पॉइंट से तो नीचे ही होगा, और फंक्शंस कैसा है, बाउंडेड है, और बाउंडेड है और कैसा है, कॉन्टिन्यूअस भी है। फंक्शंस कैसा है, बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूअस है, तो क्लोज जीरो और इन्फिनिटी पर ओपन है, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन जो होगा वहां पर एम का जो डोमेन होगा, डोमेन्स के सारे एलिमेंट क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे किसके, डोमेन्स के हर एलिमेंट कनेक्टेड होंगे को डोमेन से, तो नीचे तो जा नहीं सकता फंक्शन, ऊपर भी नहीं जा सकता। तो उसके पास एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शंस की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स नॉट हो, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट मिलेगा, मतलब एक आपको फिक्स पॉइंट जरूर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? तो डोमेन्स के सारे एलिमेंट क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे को डोमेन्स, और ऊपर से कोई फंक्शंस, इसके ऊपर से तो कोई फंक्शंस आएगा नहीं इधर से, क्योंकि m से वो बाउंडेड है, m के ऊपर से तो कोई चांसेस ही नहीं है। अगर जीरो हुआ तो जीरो पर कंडीशन फुलफिल गई, मतलब जीरो से ऊपर होगा और m से नीचे ही होगा जो भी फंक्शन होगा, और कैसा फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूअस है और बाउंडेड है, तो डोमेन्स के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होंगे को डोमेन से। तो जब डोमेन्स के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होंगे को डोमेन से तो एक ऐसा फिक्स पॉइंट आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए आपके पास ये जो बी ऑप्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा इधर आपके पास जो आपके पास क्या होगा, सही होगा। अब सी ऑप्शन बचा है कि एफ हैज अ फिक्स पॉइंट देन इट मस्ट बी यूनिक, और जो फिक्स पॉइंट होगा वो कैसा होगा, वो कह रहा है यूनिक होगा, ठीक है। तो आप काउंटर एग्जांपल्स ले लीजिए सी ऑप्शंस की अगर बात कर रहे हो, तो कोई काउंटर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर टाइप का ले लीजिए। देखो भाई ये एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो मान लीजिए कि हमारे पास अगर मान लीजिए कुछ ऐसा बनाते हैं दिस एक्स स्क्वायर का काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर आप ऐसा बना रहे हो इधर से और आप यहाँ पर वाइज कोड एक्स लाइन बनाते हो, तो यहाँ पर कोई कुछ भी आप बना सकते हो, कोई भी फंक्शन आप जीरो से ही भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा ही बना लो एफ ऑफ एक्स इज कोड एक्स स्क्वायर टाइप बना रहे हो, कुछ भी बना लो ऐसा काउंटर एग्जांपल्स लो भाई। अब यहाँ पर ऐसे ड्रा कर दो वाइज कोड एक्स लाइन, तो यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर दो मिल जाएंगे, टू फिक्स पॉइंट, वो करा यूनिक फिक्स पॉइंट होगा, नहीं भाई दो मिल रहे हैं इसलिए सी मिल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है और ये क्या है कि ये जो है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर को, जहां पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो आपको डिफाइन करके ऑलरेडी दे देगा, ठीक है, कि भाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर ब्रैकेट होगा तो डिफाइन नहीं करेगा, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है कि भाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है या ब्रैकेट है, अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो ऑलरेडी डिफाइन कर देगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसकी कॉन्टिन्यूटी देखना है, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर देखना है। तो सबसे पहले आप देख लो जीरो पर फंक्शन का बिहेवियर कैसा, जीरो पर फंक्शन क्या दे रहा है, वैल्यू क्या दे रहा है। तो जीरो जैसे आप रखोगे तो जीरो वाला यहाँ पर आएगा, इस वाले में आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर क्या होगा बी और टेन पाई, और यहां पर क्या मिलेगा, जीरो प्लस थ्री करोगे थ्री का ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी रूट थ्री,
और जीरो है ना, और अगर आप एफ ऑफ जीरो पर देख रहे हो, क्योंकि हमें एलएचएस आरएचएस और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम होना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन में अब जीरो प्लस अगर देख रहे हो तब भी इसी में आओगे, क्योंकि जीरो प्लस और जीरो से छोटा जाओगे तब इस फंक्शन में आओगे ना, तो ये भी बी रूट थ्री ही मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए एफ ऑफ जीरो माइनस अगर आप देख रहे हो, तो जीरो माइनस देखोगे तो आप इस वाले में आओगे, ए प्लस का थ्री कॉस जीरो अपान, ये नीचे जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि ऊपर जीरो, अगर ये ऊपर जीरो हो गया तो आपके पास ठीक है, अगर ऊपर जीरो बन गया, अगर आप जीरो रख रहे हो, जीरो माइनस की बात कर रहे हो, तो अगर आपके पास ऊपर जीरो बन गया तो यहां पर इसको जीरो बनाना, क्योंकि कास जीरो वन हो जाएगा, और ए प्लस थ्री इसको जीरो बनाना है मुझे, तो ए की वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए की वैल्यू माइनस थ्री लेना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगा, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा। और जब जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा तो हम क्या लगा पाएंगे, एलएच रूल लगा पाएंगे, है ना, इसलिए ए की वैल्यू तो माइनस थ्री मुझे रखना पड़ेगा। अब बी क्या मुझे रखना पड़ेगा वो मुझे निकालना है, कि जब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा तो जो यहाँ पर फंक्शंस है उसमें मैं एलएच रूल लगा दूंगा। तो जब आप यहाँ पर एलएच रूल लगाओगे, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिली, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस का थ्री कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, है ना। अब आप यहाँ पर इसमें एलएच रूल लगा दीजिए, क्योंकि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है ना, तो जब जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का थ्री साइन एक्स डिवाइडिंग बाई आपके पास टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो पर हम देख रहे हैं ना, तो जीरो पर देख रहे हैं तो आपके पास जैसे लगाओगे साइन जीरो बाई जीरो फॉर्म, ये वन पर चला जाएगा, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो माइनस में क्या मिल जाएगा, माइनस का थ्री बाई टू है ना। अब माइनस का थ्री बाई टू, अब देखिए कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस और इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू क्या है, बी रूट थ्री है, और एफ ऑफ जीरो प्लस आपके पास क्या आया है, बी रूट थ्री ही आया था, तो ये दोनों सेम ही है। अब इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस का थ्री बाई टू आई, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बी की वैल्यू माइनस का रूट थ्री बाई टू आ जाएगा, तो ए आपको माइनस थ्री लेना पड़ेगा, बी आपको माइनस का, इसलिए आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए बी एंड डी ऑप्शन इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए कामा बी टू आर बी अ मोनोटोनिक फंक्शंस, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एफ हैज एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए, अगर आपके पास यहां पर फंक्शन डिफाइन है कि एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए कामा बी टू आर, और कैसा है ये, मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो सकता है, क्योंकि वो मोनोटोनिक दिया है। ठीक है, तो अगर आपके पास फंक्शन मोनोटोनिक है तो हमने बताया था कि एट मोस्ट काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी होता है, ऐसा हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में भी। अगर फंक्शन मोनोटोनिक होगा तो उसके पास एट मोस्ट काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी होगा, तो ए तो सही है, और बी ऑप्शन कह रहा है कि एफ ऑफ इफ एक्स इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स एंड दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए किस पॉइंट पर बात करा, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, बी ऑप्शन में एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, या यहाँ पर अल्फा था हो सकता है, ए लिखा गया उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए में आप देख लो, अल्फा है तो अल्फा में देख लो। ठीक है, तो अगर आप इफ एक्स इज इक्वल टू ए में आप बात कर रहे हो, इफ एक्स इज इक्वल टू ए में आपको क्या देखना, पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी देखना है, और फंक्शंस कैसा है, फंक्शंस आपके पास मोनोटोनिक था, अब अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो उस पॉइंट पर जो आप जिस पॉइंट पर बात कर रहे हो, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर आपके पास देन लिमिट एग्जिस्ट करती है ना।
तो वही कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, क्योंकि मोनोटोनिक है तो दोनों एग्जिस्ट करती है, LHS RHS भी, तो ये RHS है और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन को एग्जिस्ट करेगी, तो बी भी सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन एफिशिएंसी, अगर वो IBP को सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो और एफ कैसा था, मोनोटोनिक था, फंक्शन मोनोटोनिक है, एफ सेटिस्फाइड IBP, तो सी ऑप्शन में क्या, फंक्शन मोनोटोनिक है और प्लस IBP को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपके पास एक कॉन्टिन्यूस इंप्लाई करता है, तो सी भी सही है। और एफ क्या होगा, बाउंडेड होगा, नहीं भाई, डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। आप ले लीजिए कि अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, ये इंप्लाई नहीं करता है कि फंक्शन इज बाउंडेड। एग्जाम्पल्स में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले सकते हो, काउंटर एग्जाम्पल। ग्रेटेस्ट इंटीजर ले सकते हो, की पावर एक्स ले सकते हो, ये बाउंडेड नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए डी भी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये फ्रैक्शनल है, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्स, यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ही है, तो हम इस फ्रैक्शनल पार्ट को किसमें, इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप कैसे करोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रैक्शनल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो उसी में कन्वर्ट कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस का, यहां पर ऐसा हो जाएगा कि एक्स माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आपको यहाँ पर किस पे देखना है, कॉन्टिन्यूटी देखनी है ना, कॉन्टिन्यूस देखना, एट एक्स इक्वल टू टू पर, एक्स इक्वल टू माइनस टू पर, यही तो दोनों है, दो और माइनस टू पर चेक करना है, तो पहले टू पर चेक कर लीजिए, तो टू पर चेक करोगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन रखते हो, तो यहाँ पर क्या रखोगे, फोर हो जाएगा, और फोर माइनस फोर, क्योंकि फोर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फोर ही आएगा, माइनस यहाँ पर टू आएगा, टू माइनस टू करोगे जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो दे देगा, ठीक है, एफ ऑफ टू पर जीरो मिलेगा। अभी एफ ऑफ टू प्लस पर देख लो, तो टू प्लस पर भी देखोगे तो ये भी फोर आएगा, ये भी फोर आएगा, इसका ग्रेटर, यहाँ पर आपके पास ये क्या होगा, यहाँ पर टू प्लस पे देखोगे तो ये टू, और यहाँ पर टू प्लस टू स्क्वायर कर दोगे, ये भी जीरो ही देगा, तो टू प्लस पर भी जीरो दे गया। अब टू माइनस पर चेक कर लो, टू माइनस पर चेक करोगे तो देखो ये फोर ही रहेगा। अब यहाँ पर टू से अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वन हो जाएगा, नहीं देखो यहाँ पर टू से थोड़ा सा कम हुआ तो मान लीजिए 1.99 ले रहे हो, टू से कम ले रहे हो, 1.99 का स्क्वायर करोगे तो थ्री पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा, और थ्री पॉइंट समथिंग जो भी आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री हो जाएगा, या थ्री आ जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ टू होगा है ना, और यहाँ पर इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वन ही आएगा, तो वन का स्क्वायर यहाँ से करोगे फोर माइनस थ्री माइनस वन, तो ये भी जीरो, एफ ऑफ टू माइनस पर ये क्या देगा, ये कॉन्टिन्यूस हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू टू पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और जब आप एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर चेक करोगे तो ये डिसकॉन्टिन्यूस मिलेगा, तो यहाँ पर टू पर कॉन्टिन्यूस होगा, बस माइनस टू पर डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा, बाकी के सारे इनकरेक्ट, ठीक है, आप चेक कर लेना, सेम ये प्रोसेस लगाना, यहाँ पर जैसे मैंने टू पर चेक किया, आप माइनस टू के लिए चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक्स इज इक्वल टू अल्फा बिलोंगिंग टू आर फंक्शन, यहाँ पर जो एस सेट है उसमें कैसे फंक्शन आ रहे हैं, सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ही कलेक्शन है, और फंक्शन डिफाइन है एफ सच दैट आर से आर में, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स भी डिफाइन कर दिया गया है, तो जीरो पर जीरो मिल रहा है, और अगर हम इसके, अगर ये जीरो पर प्रॉब्लम्स कर रहा है, अगर ये फंक्शन जीरो पर प्रॉब्लम्स कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर प्रॉब्लम करेगा, और हर जगह ये कॉन्टिन्यूस होगा, ये जीरो पर ही प्रॉब्लम करेगा, तो हम जीरो पर ही देख लेते हैं। तो अगर आप एफ ऑफ जीरो रखते हो इस फंक्शन में, तो आप देखिए क्या मिलेगा, ई की पावर वन बाई एक्स मिलेगा, यहाँ पर ई की पावर अगर आप वन बाई एक्स कॉमन करते हो तो देन यहाँ पर वन अपन ई की पावर वन बाई एक्स प्लस का वन हो जाएगा, इससे कट जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे जीरो रखते हो इन
ये वन अपॉन इन्फिनिटी, तो यहां से दे देगा वन, वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस का वन, दैट मीन्स वन। एफ ऑफ जीरो पर ये वन दे रहा है, और एफ ऑफ अगर आप जीरो प्लस करोगे तब भी ये वन ही देगा, ठीक है। एफ ऑफ जब जीरो माइनस करोगे तो देखो क्या मिलता है, यहाँ पर ये आपके पास क्या आएगा, वन आएगा, है ना। ई की पावर एक्स से ही कॉमन करोगे तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ई की पावर यहाँ पर क्या होगा, दिस इज वन अपॉन, है ना, वन अपॉन ई की पावर माइनस का वन बाई एक्स प्लस वन आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ पर इस बार क्या दे देगा, देखिए वन अपॉन, वन अपॉन यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, देखिए ई की पावर इन्फिनिटी, है ना, इसको ऊपर ले जाओगे तो ई की पावर इन्फिनिटी प्लस वन होगा, तो आपके पास क्या होगा ये, एक मिनट देखिए, इसको आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक मिनट मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो इसको ऊपर शिफ्ट करो तो ई की पावर वन बाई एक्स बनेगा, प्लस का वन आएगा। अब ये इन्फिनिटी रखो, यहाँ जीरो रखो तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी प्लस वन हो जाएगा, तो वन अपॉन इन्फिनिटी ओवरऑल ये जीरो दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, केवल एक ही पॉइंट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर एस की जो कार्डिनालिटी होगी वो वन होगी, और वन कैसी होगी, फाइनाइट होगी, भी एक ही मिल रहा है ना, हमें क्या देखना, हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना है। तो पॉइंट ऑफ हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ओनली एट जीरो पर ये क्या है, डिसकंटिन्यू, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए LHS, RHS और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम होने चाहिए, है ना। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और आपके पास यहाँ पर जीरो पर देख रहे हो, ये दोनों तो सेम है बट ये जीरो पर चला जा रहा है, तो मतलब इस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो एक ही पॉइंट मिल रहा है ना, तो एस की कार्डिनलिटी एक ही होगी, तो एस होगी, और वो कैसी होगी, फाइनाइट होगी, है ना, समझ आ रहा भाई। चले यहां तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए कामा बी टू आर विच हैज द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, विच ऑफ द इंटरमीडिएट मतलब आईवीपी की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपके पास आर टू आर है और फंक्शंस कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शंस है, इंक्रीजिंग फंक्शंस है, और वो आईवीपी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपके पास किसको इंप्लाई करता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, आने क्लोज इंटरवल ए कामा बी में भी होगा, हर जगह मतलब इवरी, है ना, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब मोनोटोनिक है प्लस बाउंडेड है, ओ मोनोटोनिक प्लस आईबीपी, तो मोनोटोनिक आईबीपी का सेटिस्फाइड होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, तो इसमें भी आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इस पर भी इंटरवल पर एक कॉन्टिन्यूअस होगा, यहाँ पर भी होगा, बट इसमें क्या रहा, नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो ये क्या, इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा, तो इसलिए आपके तीन ऑप्शन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो 26 से क्या कर रहा है, इसको भी देख लो, कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एफ सच दैट क्लोज इंटरवल 0, 1, 2 आर, ठीक है, कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, अटेन इट्स इट्स वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट मेनी टाइम्स, एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू है एफ ऑफ वन के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन यहां पर क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस है, यहां पर एक की पॉइंट है कि अगर आपके पास एफ सच दैट, यहां पर इसको नहीं, ऐसा हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, ये तो हमारे पास डिफाइन है, की पॉइंट्स ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और एफ सच दैट आर टू आर में डिफाइन है, ठीक है, तो अपनी वैल्यू को क्या करती है, सेल्फ उसकी जो वैल्यू होती है वो 8 टाइम रिपीट करती है, तो अगर आपके पास वो क्या होगी, तो वो पूरे स्टेटमेंट पूरे आर के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एफ अटेन एट लीस्ट वन इट्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स,
तो वही मैं पूरे आर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर पूरे आर के लिए सेटिस्फाइड होती है कि जो भी फंक्शन होगा अगर आर टू आर में डिफाइन है वो अपनी वैल्यू को 8 टाइम्स रिपीट करती है, ठीक है। तो इसलिए यह पूरे आर के लिए है तो इसके लिए भी सही हो जाएगा, इसलिए ये वाला तो सही हो गया। एफ अटेन, ये बी वाला क्या करा, एफ अटेन एटलीस्ट 1/n इवन टाइम्स, तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि 8 टाइम्स के लिए। एफ इज नाइदर अटेन एटलीस्ट 1 इट्स वैल्यू फॉर इवन नंबर ऑफ टाइम नॉर ऑड्स वैल्यू, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। और डी तो ऑलरेडी इनकरेक्ट है, ठीक है भाई। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, यहां पर आपके पास अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एज एग्जाम्पल यहाँ पर बात करें, क्लोज इंटरवल 0,1 से R में है फंक्शन हमारा डिफाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए 8 टाइम्स कैसे रिपीट करता है। अगर हम बात करते हैं कि सेटिस्फाइड द लास्ट पॉइंट इक्वल नहीं है, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, लास्ट पॉइंट इक्वल नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा हम लेकर चलते हैं, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो 8 टाइम रिपीट कुछ इस तरह से, मान लीजिए कोई भी फंक्शन है कुछ इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, तो इसी तरह से वही मतलब है कि 8 टाइम वो रिपीट करता है जो वहां पर हमने स्टेटमेंट लिखा था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो अपने वैल्यू को 8 टाइम रिपीट करता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है और एफ सच दैट आर टू आर यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए था, ठीक है। एफ सच दैट या कैपिटल ही लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, कैपिटल हर जगह कैपिटल है। तो एफ फंक्शन जो है डिफाइन है आर से आर में, राइट। तो अगर आपके पास फंक्शन डिफाइन है आर से आर में और हम लोग जानते हैं कि वो कैसा है, फंक्शन मोनोटोनिक भी है। कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन है। तो एफ हैज नो डिसकंटिन्यूटीज, उसके पास एक भी डिसकंटिन्यूटीज नहीं होगा, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहना है। तो अगर हम बात करते हैं कि फंक्शंस आप ले लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, ए ऑप्शंस के लिए आप किसको ले लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर को ले लीजिए, और ये कैसा होता है, मोनोटोनिक फंक्शंस होता है। तो यहां पर आपके पास डिस्कंटिन्यूटी मिल जाएगी, इसमें आपको डिस्कंटिन्यूटी मिल जाएगी, कर आर डिस्कंटिन्यू, नो डिस्कंटिन्यू, इसलिए इसको फेल हो गया काउंटर एग्जाम्पल से, ठीक है। एफ हैज इनफाइनाइट मेनी डिस्कंटिन्यूटी, तो अगर आप यहाँ पर ले रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो, फंक्शंस क्या ले रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो, तो इंटीजर पर आपके पास क्या देगा, इंटीजर पर आपके पास काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, डिस्कंटिन्यूटी जो होगा वो कैसा होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि ओनली फाइनाइट मिली, इसलिए बी भी फेल हो गया। अगर सी ऑप्शंस की बात करो है एटमिस्ट काउंटेबल, हाँ बिल्कुल सी वाला सही होगा। अनकाउंटेबल मेनी डिसकंटिन्यूटी, इसलिए डी भी इनकरेक्ट है, काउंटेबल होगा ना, काउंटेबल मेनी डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, आपके पास 3 सेट है, एक ए सेट है, दूसरा बी सेट है और तीसरा सी सेट है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब दिस इज क्लोज्ड, कैसा सेट है, क्लोज सेट है। तो और फंक्शंस कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो आपके पास क्या होगा कि ए बी सी क्लोज सबसेट ऑफ आर के सबसेट होंगे, क्लोज सबसेट होंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास ए जो है वो क्या है, क्लोज्ड है, तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो ओपन हो जाएगा, और बी का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ये भी ओपन हो जाएगा, अगर आप सी का भी कॉम्प्लीमेंट करते हो तो भी ये ओपन ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये तीनों के तीनों कैसे हैं, क्लोज सेट ही है, तीनों ही है, यहाँ 0 है, यहाँ पर भी इक्वल लगा हुआ है ना, इसलिए क्या है, तीनों क्लोज सेट है, ठीक है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ये ओपन हो जाएगा। ये कह रहा है कि एबीसी आर क्लोज सबसेट, हाँ भाई एबीसी तीनों ही क्लोज है, एक क्लोज यहाँ पर, हाँ ओपन सबसेट होंगे आर के, हाँ सही बात है,
ये कर रहा है एंड सी ओपन बट बी क्लोज, नहीं भाई इनकरेक्ट है, बी एंड सी ओपन बट नहीं है, बी इनकरेक्ट है ना, वो बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो यहां पर क्या होगा कि सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपके पास फंक्शन है तो वो इंटीजर पर क्या देगा, द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज, यहां पर आपके पास क्या होगा, ये इंटीजर देगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, इसमें कुछ करना नहीं है, अभी जस्ट एग्जांपल्स पीछे हुआ ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, इंटीजर पर आपके पास क्या देगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन है एस सेट, एस डिफाइन है क्लोज इंटरवल -1 से 1 में, ठीक है, और फंक्शन आपके पास कुछ ऐसा है कि अंडर रूट ऑफ 1 + p² / 1 + q² एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू बिलोंगिंग टू क्यू यूनियन एस एंड अदरवाइज इल्स, हमें क्या मिला है, एक्स मिलता है, और यहाँ पर फंक्शन हमारे पास कैसा है, डिफाइन है, ठीक है, और इसमें किसकी बात हो रही है, एक तो कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो कंटिन्यूटी आप देख लो, है ना, तो एक्स यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा है, अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी वो भी कॉन्टिन्यूअस ही होगी, है ना। तो अगर हमारे पास मान लीजिए जो भी है, अगर हमारे पास एक्स जो भी है, एक्स जो भी है वो, ये जो एक्स है वो जो भी है, मान लीजिए अगर इस टाइप है, कॉन्टिन्यूअस के लिए बात हो रही है, किसकी बात कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो अगर एक्स इस टाइप का होगा 1 + p² / 1 + q² टाइप का होगा तो हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की, तभी वो कॉन्टिन्यूअस होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, LHS, RHS और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर इल्स में क्या दे, अगर मैं रेशनल के थ्रू जा रहा हूँ तो अंडर रूट ऑफ 1 + p² / 1 + q² टाइप का फंक्शन मिल रहा है ना। अगर हम इरेशनल के थ्रू जा रहे हैं, इल्स मतलब इरेशनल के थ्रू जा रहे हैं, तो हमें एक्स मिल रहा है, एक्स क्या है वो नहीं पता है। तो अगर हमें कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें वहां पर क्या देखना है, कंटिन्यूटी में हम यही बात करेंगे कि भाई यहाँ पर जैसा मिल रहा है ऊपर वैसे अगर नीचे मिलता है तो कंटिन्यूअस हो जाता है, बस समझ में आ रही है। तो अगर इस टाइप कंटिन्यूअस देखना है तो एक्स जो ये है, एक्स इस एक्स को इस टाइप का होना पड़ेगा, अगर इस टाइप का इरेशनल पर, चूंकि इल्स मतलब इरेशनल, अगर इरेशनल पर इस टाइप का मिल रहा है तब तो कॉन्टिन्यूअस होगा, तभी तो इक्वल आएगा, और जब तभी इक्वल आएगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर हम लोग रेशनल फॉर्म की बात, इरेशनल फॉर्म जो बन रही है, जो हमारे पास रेशनल फॉर्म बन रही है वो किस फॉर्म की बन रही है, पी बाई क्यू फॉर्म की बन रही है, यहां पर रेशनल फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म की बन रही है, रेशनल किस टाइप का होता है, वो पी बाई क्यू टाइप का होता है ना, और P एंड Q कहां से आ रहे हैं, रेचनल से ही आ रहे हैं, P एंड Q दोनों कहां से हैं, रेचनल से आ रहे हैं, मींस काउंटेबल नंबर ऑफ कंटिन्यूटी को, देखो भाई यहां पर जो इरेचनल है, चूंकि ये रेचनल के थ्रू जा रहा है ना, तो रेचनल के थ्रू जा रहे हैं तो कुछ इस टाइप हमारे पास आ रहा है। अगर हम यहां पर किसकी बात करते हैं, यहां पर जो इरेशनल फॉर्म बन रही है वो भी पी बाई क्यू फॉर्म की ही बन रही है, क्योंकि इरेशनल जो है एक्स है वो क्या होगा, जब कॉन्टिन्यूटी की आप बात कर रहे हो तो ये जो x आ रहा है वो इस टाइप का आ रहा है, इसमें जो x वो p by q फॉर्म की बन रही है ना, और p और q दोनों कहां से आ रहे हैं, रेशनल से आ रहे हैं,
अगर वो दोनों रेशनल से आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि काउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा, है ना, समझ में आ रहा? तो काउंटेबल नंबर ऑफ क्या मिलेगा, कंटिन्यूटी मिलेगा, क्योंकि हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं ना। बात समझने की कोशिश करना भाई, ये अगर रेजनल के थ्रू जा रहे हैं तो हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूटी में क्या होता है, एलएचएस आरएचएस और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम होते हैं। तो अब भाई अगर यहाँ पर रेजनल के थ्रू जा रहे हैं तो इस टाइप का फंक्शन मिल रहा है ना। अगर हम इरेशनल के थ्रू जा रहे हैं तो हमें एक्स मिल रहा है, तो एक्स अब हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है, इसलिए इस एक्स को किस टाइप का होना पड़ेगा, इस टाइप का होना पड़ेगा। अगर ये इस टाइप का होगा दोनों सेम हो जाएगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब ये जो एक्स आ रहा है अगर वो इस टाइप का बन रहा है, इसका मतलब एक्स पी बाई क्यू फॉर्म का रहा होगा, और एक्स पी बाई क्यू फॉर्म का रहा होगा मतलब रेशनल पी और क्यू दोनों रेशनल से आ रहे होंगे। अब दोनों अगर रेशनल से आएंगे तो रेशनल काउंटेबल होता है, तो काउंटेबल नंबर ऑफ कंटिन्यूटी मिल जाएगी यहां से, है ना। चले तो इसलिए यहां पर अगर हम लोग बात करें कि एफ हैज अनअकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा। अगर हम बी ऑप्शंस की बात करें तो बी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, देखिए बी ऑप्शन देख लेते हैं। कराएक अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हम अगर इंटरवल को ब्रेक करते हैं माइनस वन टू जीरो ले लेते हैं। अब अगर हम इसमें लिमिट की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं यहां पर अप्रोच करूं कि मान लीजिए यहां पर हमारे पास अल्फा है, मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ, राइट से भी अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट राइट का मतलब क्या कि अगर मैं रेशनल के थ्रू अप्रोच करूंगा, अगर इस अल्फा को मैं रेशनल के थ्रू लेकर चल रहा हूं, तो हमारे पास ये किस फॉर्म का बनेगा, वन प्लस पी स्क्वायर अपॉन वन प्लस क्यू स्क्वायर टाइप का आएगा, जो कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर हम इसको इरेशनल के थ्रू ले जा रहे हैं तो इरेशनल के थ्रू ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इरेशनल के थ्रू ले जा रहा हूं इसको, रेशनल के थ्रू ले जाऊंगा तो हमारे पास ये पॉजिटिव आएगा, अगर मैं इसको इरेशनल के थ्रू ले जाऊंगा तो ये क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यू देगी। मीन्स अल्फा कुछ भी हो सकता है ना, इरेशनल के थ्रू एक्स आ रहा है तो एक्स कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर आपके पास जो भी आएगा कुछ भी हो सकता है, मीन्स अल्फा कुछ भी हो सकता है ना। हमने नेगेटिव मान लीजिए ऐसा कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा और अप्रोच समझते हैं, अगर मैं रेशनल के थ्रू जा रहा हूं तो ये मुझे मिलेगा, पता है को पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट अगर इरेशनल के थ्रू जा रहा हूं तो मुझे एक्स मिला। अब एक्स क्या होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर नेगेटिव मतलब ए नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर रेशनल की सीक्वेंस है तो कहीं ना कहीं पर तो कन्वर्ज करेगी, किसी ना किसी आर पर। अगर आपके पास वो रेशनल की सीक्वेंस है, अगर वो रेशनल की सीक्वेंस है तो किसी ना किसी आर पर वो क्या करेगी, कन्वर्ज कर जाएगी। और अगर वो इरेशनल की सीक्वेंस है तो आपके पास क्या करती है, एग्जिस्ट करती है किसी ना किसी आर पर, है ना, किसी ना किसी आर पर वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी वो भी, देखिए। अगर रेशनल की सीक्वेंस है, बात समझिएगा, अगर रेशनल की सीक्वेंस है तो किसी ना किसी क्या होगी आर पर वो क्या कर जाएगी, किसी ना किसी आर पर कन्वर्ज कर जाएगी। और अगर इरेशनल की सीक्वेंस है तो क्या करेगी, सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। अगर रेशनल की सीक्वेंस है तो किसी ना किसी आर पर क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। अगर इरेशनल की सीक्वेंस है तो एग्जिस्ट करेगी, अगर वो किसी न किसी आर पर कन्वर्ज कर जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास यहाँ पर आर क्या हो रही है, कन्वर्ज कर रही है, ध्यान से समझिएगा, अगर रेशनल की सीक्वेंस है तो कहीं न किसी आर पर कन्वर्ज करेगी, इरेशनल की सीक्वेंस है तो भी एग्जिस्ट करती है, किसी न किसी आर पर कन्वर्ज तो करना ही है, तो दोनों की लिमिट सेम नहीं होगी।
और जब लिमिट सेम नहीं होगी, एग्जिस्ट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, भाई दोनों अलग अलग रेशनल की है तो अलग, मान लीजिए कहीं ना कहीं आर पर कन्वर्ज कर रही होगी, इरेशनल की है तो कहीं ना कहीं आर पर कन्वर्ज कर रही होगी, मतलब दोनों सेम होने चाहिए थे ना, बट यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स हैज अ लिमिट ऑन एस, तो लिमिट यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना, तो इसलिए ए तो फेल हो गया, बी सही हो गया। अब अगर आप सी की बात करते हो कि एफ ऑफ एक्स रेशनल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, तो हमने हमें पता है काउंटेबल नंबर ऑफ कंटिन्यूटी बताया ना, तो यहाँ पर क्या मिला, अगर एफ ऑफ एक्स रेशनल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी की बात कर रहा है ना, ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, सी ऑप्शन देख लीजिए। तो अगर आप सी ऑप्शन देख रहे हो, तो आप अगर मान लीजिए इस इंटरवल को ले लीजिए, सेमी क्लोज 0.1 की बात कर रहे हो, अगर मैं इसमें रेशनल की बात करूं, इस इंटरवल में मान लीजिए हम रेशनल की बात कर रहे हैं, तो रेशनल पे अगर आप जा रहे हो तो पी बाई क्यू फॉर्म में जा रहे हो, पी बाई क्यू फॉर्म 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस q स्क्वायर टाइप का होगा। अब अगर आप स्क्वायरिंग करते हो तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस p स्क्वायर और 1 प्लस q स्क्वायर। अब ये p² + p² q² इज इक्वल टू q² + p² q² तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इससे कट जाएगा, p² इज इक्वल टू q² आ जाएगा। अब ये p² q² के इक्वल है, मतलब p है ना, तो अगर आप यहां पर देखिए, अगर आप पी को जीरो कर रहे हो, पी को अगर आप जीरो कर सकते हो बट क्यू को आप जीरो नहीं कर सकते, यहां पर क्यू क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आप पी को जीरो कर सकते हो बट क्यू को जीरो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब बचा क्या, वन और माइनस वन ही तो बचा, वन और माइनस, क्योंकि जीरो आप ले नहीं सकते, तो बचा आपके पास दो ही पॉइंट है, या तो इसको माइनस वन रख लो या फिर वन रखोगे, क्योंकि जीरो तो आप ले नहीं सकते क्योंकि वो पी बाई क्यू फॉर्म का। अगर आप रेशनल के थ्रू जा रहे हो, अल्फा को आप रेशनल के थ्रू ले जा रहे हो क्यू के थ्रू, तो पी बाई क्यू फॉर्म का आएगा, और पी बाई क्यू फॉर्म अगर इसके इक्वल हो गया, तो इसको अगर आप इक्वल करते हो तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब जीरो आप इसमें ले नहीं सकते, तो बचा का दो ही पॉइंट बचा, और माइनस वन पर आपकी लिमिट यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने अभी देखा था, बिकॉज क्लोज सेमी ओपन -1.0 पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। है ना, तो बचा कौन सा पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट बचा, एट लीस्ट वन पॉइंट बचा, एक ही पॉइंट बचा ना भाई, माइनस वन पर भी नहीं मिला तो बचा कौन सा, वन पॉइंट बचा, जीरो पर भी नहीं मिला, माइनस वन पर भी नहीं मिला, और क्लोज इंटरवल -1.1 था, तीन ही पॉइंट आ रहे थे, माइनस वन जीरो और वन आ रहे थे, माइनस वन पर भी नहीं करा, जीरो पर भी नहीं करा, बचा कौन सा, वन पॉइंट बच गया। अब ये आपका ऑप्शन क्या करा देख लो, कि एट एफ ऑफ एक्स इज रेशनल पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो आपके पास यहाँ पर क्या मिला, वन पर मिला, और एक ही पॉइंट मिलेगा, तो एक ही फिक्स पॉइंट मिलेगा, इसलिए डी तो सही है, डी सही है, क्योंकि आपके पास क्या होगा, एक ही पॉइंट मिलेगा, और जब एक पॉइंट मिलेगा तो आपके पास एक फिक्स पॉइंट तो मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, तो एक फिक्स पॉइंट मिलेगा। तो यहां से आपका डी तो सही हो गया, अगर आप रेशनल के थ्रू जा रहे हो तो एक फिक्स पॉइंट मिल गया, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स रेशनल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी मिलेगा, काउंटेबल काउंटेबल नंबर ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हैज रेशनल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा।